क्या भाई लोग, भूख लगी है तो घंटी दबाने का और नई नई रेसिपीज चेक करने का। नमस्कार, आपका फूड तक में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भास्कर मेनन है और आज हम आपको एक दिवाली स्पेशल रेसिपी दिखाने वाले हैं। आज मैं आपके लिए कुल्फी बनाने वाला हूँ। कुल्फी को शुरू करने के लिए हम पहले अपने पैन में डबल क्रीम मिल्क डालेंगे। ये फुल क्रीम मिल्क है, इट्स अराउंड 500 ml ऑफ मिल्क। और कुल्फी में हम इसको थोड़ा फर्मनेस देने के लिए ये एक आमंड का पाउडर मैंने बनाया है। इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी डाला है, करीब हाफ अ कप शुगर, एंड आई हैव पुट अराउंड 55 आमंड्स इनसाइड दिस। तो हम इसमें अब हम अपना आमंड मिक्सचर इसमें हम डाल देंगे। हमने इसमें अब ये अपना आमंड मिक्सचर डाल दिया है, इट्स गेटिंग अब्जॉर्ब बाय द मिल्क नाइसली। इसका हम टेम्परेचर थोड़ा सा कम करके इसमें हमारा जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर जो हमने मिल्क के साथ मिक्स बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। ये कॉर्नफ्लावर क्या करता है कि इट मेक्स द मिल्क लिटिल बिट थिकर, हमारे ये मिक्स को देता है। एंड इसको बस आप जेंटली स्टर करें टिल इट बिकम्स लिटिल नाइस एंड थिकर। तो कॉर्नफ्लावर के साथ आप इसको बस 5 मिनट पकाएं और इसमें अब हम अपना आमंड्स डाल सकते हैं, जो बादाम है हमारे। तो करीब 3 या 4 टीस्पून आप डाल दें, डिपेंडिंग ऑन हाउ मनी आमंड्स यू वुड लाइक इन योर मिक्सचर। आप इसमें अपना सैफ्रन या केसर भी डाल सकते हैं, बस इसको स्प्रिंकल करें। देखें कितना अच्छा सुंदर रेड है ये, थोड़ा येलोइश टिंज दे देगा इस डिश को। थिक हो गया है कॉर्नफ्लावर की वजह से, इट्स बिकम वेरी नाइस एंड कंसिस्टेंट, वेरी स्मूद। तो हमारा ये कुल्फी का मिक्सचर रेडी है। हम इसको बस ऑफ करेंगे और अपने जो कुल्फी के जो कंटेनर्स हैं हमारे, वी विल नाउ पुट इट इनसाइड दैट। तो बस आप थोड़ा सा ये मिक्सचर इसमें डालें, करीब 2 स्पून, अभी बहुत गर्म है। एंड जो स्टिक है इसमें, जिसमें कुल्फी जिससे हम उठाते हैं, वो हम अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम इसको अभी डाल दिया इट विल शिफ्ट टू द साइड और वो स्ट्रेट नहीं रहेगा। तो क्या करते हैं कि इसको पहले हम 5-6 घंटे जब थोड़ा फ्रीज हो जाएगा ये, तो इसका थोड़ा शेप ये होल्ड करेगा, तब हम स्टिक डालेंगे बिल्कुल बीच में। अब हमारे जो कंटेनर्स हैं फिल हो गए हैं, वी विल नाउ फ्रीज देम फॉर 10 to 12 hours एंड यू विल फाइंड फैंटास्टिक रिजल्ट्स। हमारे जो ये कुल्फी है दे आर रेडी आउट ऑफ द फ्रीज़र परफेक्टली, ये अब फ्रीज हो गए हैं। इनको निकालने के लिए बहुत आसान टेक्निक है, इनको बस गर्म पानी में थोड़े से जो लूक वार्म वाटर है इसमें थोड़ा सा डालना होता है। अब ज़्यादा टाइम ना डालें क्योंकि इट कैन मेल्ट रियली रियली ईजिली। तो जैसे मैंने पहले बोला था, वी हैव आर नाइस रोज पेटल्स जो हमने ड्राई रोज पेटल्स इसमें यूज़ किए हैं, हम बस इसको थोड़ा सा कुल्फी पे डालेंगे एट दी एंड। बहुत एक अच्छी स्मेल आ रही है इनमें रोज़ेस की, ये बहुत एक एडिबल है। तो जो मैंने प्योरे यूज़ किया है इसमें कीवी प्योरे है, आप कोई भी फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं, मेलन, सेब, कोई भी जो है। एंड एक डबल क्रीम के साथ मैंने इसको प्योरे किया है, वेरी इजी टू प्योरे, जस्ट ऑन वेरी इजी टू मेक। और बीच में बस थोड़ा सा हम इसको इंडियन टच बहुत अच्छा देंगे पिस्ताशियो के साथ, जो हमारे पिस्ता हैं, बहुत अच्छा सा इसमें गार्निश करने के लिए क्रंची भी देगा इसमें टेक्सचर ये पिस्ता। अब हमारा ये कुल्फी तैयार है, इट्स रेडी टू सर्व, वेरी इजी टू मेक। जैसे आपने देखा था, आप अपने ये फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बना सकते हैं। ये जो डिज़र्ट है इट्स वेरी गुड फॉर योर किड्स, एंड आई होप हमारे में अपने दिल से कि हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं, यू हैव अ फैंटास्टिक दिवाली। ऐसे और रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।